हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी 12 बज चुका है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे आकाश बैठा हुआ आराम से आराम कर रहा है। अब जो है इसको जो है 2 घंटा कम से कम दिन भर में पढ़ाई करना है। कितना घंटा पढ़ाई करना है? 2 घंटा। 2 घंटा क्या क्या दिए हैं? नहीं पता। दिए ना, शाम को दिए कि नहीं? जानवर का नाम दिया ना, डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर। हाँ। और वाइल्ड एनिमल्स नाम याद है? है? सब याद कर लिया? सब तो स्पेलिंग के साथ याद नहीं ना है? याद है, याद करके उसको रखना, फिर हम शाम को पूछेंगे। अभी हम लोग आएंगे, तब तक अभी 2 घंटा पढ़ाई करना है। मोबाइल रख लिया, मोबाइल में ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं देखना। और ये लड़की यहाँ पे मूर्ख लड़की बन गई है, इसका रोल नंबर पूरा नीचे चला गया है, नीचे पीछे पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं। इसको ये बोले 2 घंटा पढ़ना, तुमको क्या दिया रे? वर्ब पढ़ने के लिए और वर्ब फॉर्म याद करने के लिए। लिखी है ना? याद करके रखना उसको, फिर शाम को सुनाना। वर्ब फॉर्म में 3 फॉर्म है। चलो फिर हम लोग फिर आते हैं उसके बाद, फिर तब तक तुम लोग कंप्लीट करके रखो, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं। एक छोटा बच्चा है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ने वाला है, तो उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते पे रुके हुए हैं, देखिए कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये हाईवे तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा मतलब रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ तेज चलती है। रोड अच्छा इधर हो गया है, झारखंड में लगभग सारे स्टेट्स में हो गया है, तो झारखंड में भी रोड लगभग सब जगह अच्छा हो गया है। और ये एरिया जो है बोकारो एरिया पड़ता है, इसीलिए इस बोकारो में भी मतलब काफ़ी अच्छा रोड हो गया है। धनबाद में भी है, बोकारो उससे पहले ही अच्छा था। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाला है, उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को उससे मिलवाता हूँ। तो उसका जो है ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए हम लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं। देखो ये छोटा बच्चा यहाँ पे है बैठा हुआ। क्या नाम है बाबू? नाम बोलो अपना। नहीं भूल गया बाबा जी, अरे अपना नाम है भूल गया तो। बोलो जी, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या बोला? रोशन। वाह, इसका मतलब तुम माए बाप का नाम रोशन करेगा और देश का नाम भी रोशन करेगा ना। हाँ पता तो चलो। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके बता तुम? उसरो जो है काफ़ी प्रचलित नाम है, यहाँ एक मेला लगता है, बहुत प्रचलित मेला है। उसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ अभी आया हुआ हूँ, मेरी बड़ी कुफेरी दीदी का घर है, तो उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ फेमस एक मेला लगता है, कहाँ पे है। अभी तो हम लोग गए नहीं हैं। लगता है हथिया पथल मेला, तो मेरी दीदी यहाँ पे है और वही बतलाएगी हथिया पथल मेला इधर किधर है। और गाना भी आप लोग सुने होंगे, अभी नया नया गाना आया हुआ है, बहुत प्रचलित चल रहा है। हाँ, हथिया पथल मेला गाते थोड़ा घुराई देबोगे? हथिया पथल टुसुक मेला तो हाथिया पथल मेला है। टुसुक मेला आइलो ने टुसुक बहाई को ने नदिया में सीधे सब हाथिया पथल गइस। टुसुक मेला आज तक मेला तो रहलो हाथिया अथी कोची नवाड़ी से लेके पूरा गोमिया प्रखंड से। पता ना, इतना तो हमरा मालूम ना हो। टुसुक मेला तो वही गाना हम गाओ, लेकिन तो गाओ, लेकिन टुसुक तो ये खरा उठबे करो। अपनी बड़ी जबरदस्त लो अथिया लॉकडाउन में बाय बोल। हां, वह ककरे इसीलिए गनवा मतलब निकाल ले लकी। और कौन मेला बोलने को? गणेश मेला। गणेश मेला परम बहुत भीड़, 7 दिन रहो हो मतलब जय प्रवचन चलो हो। 7 दिन मेला रहो एकदम जबरदस्त। यहाँ पे जो है हथिया पतल का मेला लगता है और इस हम लोग यहाँ पे आए हुए। आप लोग निश्चित रूप से फेमस गाना जो है अभी काफ़ी चल रहा है, आप लोग सुने होंगे, घुराई देबोगे घुराई देबोगे तो घुराई देबोगे। हमको भी मालूम नहीं है क्या कि कोटा जो है हथिया पथल मेला तोरा घुराई देबो, तो चलो तुमको घुमा देते हैं। वहाँ कहावत है कि वहाँ पे बराती लोग जो था उन लोग हाथी नहीं मतलब
जाने के समय पत्थर बन गया था, इसीलिए जो है हथियार पत्थर मेला के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है, दामोदर नदी के किनारे है और वहाँ पे जो है इसी के नाम से जो है गाना निकाला गया, हथिया पत्थर मेला, टुसु पर्व मेला और पारसनाथक मेला, इस तरह से गाना निकाला गया, काफ़ी फेमस है। 14 जनवरी को हथिया पत्थर मेला लगता है, अगर आप लोग इधर आते हैं खुसरो जगह पे तो आप लोग मेला को देख सकते हैं, काफ़ी फेमस मेला है 14 जनवरी। हाँ ठीक, ये बच्चा इससे हम लोग मिलने के लिए आए थे, ये जो है थोड़ा सा मुसीबत में है तो ये अभी 1 तारीख को जाएगा, ये जो है अभी फिर पूरा स्वस्थ होके आएगा, गोदी में आता नहीं है, बहुत भाग रहा है ये लड़का। देखिए यहाँ पे है, क्या नाम है जी? क्या नाम, नाम बोलो है, क्या नाम है? चिराग। चिराग नाम है, ओह चिराग, घर का चिराग है ये। चिराग देखिए खेल रहा है बच्चा। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आज जो है रामनवमी, मतलब रामनवमी से एक दिन पहले का, रामनवमी का एक दिन पहले का है, तो अभी मैं आप लोगों को जब रिटर्निंग में जाऊंगा तो रिटर्निंग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सारा झंडा जो है रास्ते पे लगाया गया है, काफ़ी सारा झंडा है तो, और बहुत जगह प्रोटेक्शन दिया गया है, पुलिस फोर्स भरा हुआ है, इसके बारे में एक विशेष वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो ये झंडा जो है स्पेशली अभी जाते हुए मैं शूट कर लूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे कितने सारे रास्ते पे झंडा लगा हुआ है, पूरे रास्ते में झंडा लगा हुआ है, तो इधर अगर देखते हैं, इधर देखते हैं पूरा झंडा ही झंडा रास्ता पे है, और हर गली में जिधर जाइए उधर झंडा आपको मिलेगा।